देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू हुआ था, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। इससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग अपने ऑफिस से लेकर परिवार तक से जुड़ रहे थे। इस समय अमेरिका की जूम ऐप ने लोगों के बीच काफी कम समय में अपनी जगह बना ली थी। कोरोना और चीन की पॉलिसी की वजह से कई देशों की कंपनियां चीन से अपना कारोबार शिफ्ट करने की फिराक में भी हैं। पिछले दिनों ही अमेरिका के टेक इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब जूम अगली कंपनी है जो भारत में बिजनेस बढ़ाने का रुख कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने वाली इस कंपनी ने इसी हफ्ते घोषणा की है कि वो भारत में अपना बिजनेस करीब 3 गुना तक बढ़ाएगी। ये कंपनी हैदराबाद और बेंगलुरु में अपने नए डेटा सेंटर्स भी खोलने की तैयारी में है, जबकि कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो भारत में कितने नए कर्मचारियों को हायर करेगी। लेकिन ये तो तय है कि जूम के इस कदम से भारत में काफी नौकरियां पैदा होंगी। भारत में अभी तक 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और करीब 50 करोड़ अभी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भविष्य में इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। जूम की तरफ से भारत में कारोबार बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा है। भारत में जनवरी से अप्रैल के बीच फ्री यूजर साइनअप में करीब 6700% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में तो तमाम कामों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जूम ऐप का इस्तेमाल हुआ है। दिसंबर के आखिर में रोजाना करीब 1 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते थे और ये आंकड़ा अप्रैल तक बढ़कर 30 करोड़ हो गया। जूम के भारत में कारोबार बढ़ाने की राह में चीन के साथ कंपनी के रिश्ते दिक्कत की वजह बन सकते हैं। कुछ समय पहले ही इस बात को लेकर विवाद भी हुआ था कि जूम के डेटा को चीन से होकर गुजरना पड़ता है। चीन में मौजूद सर्वर में भी डेटा रहता है। यहाँ तक कि चीन की सरकार के कहने पर कंपनी ने ह्यूमन राइट्स ग्रुप को भी बंद कर दिया था। चीन में जूम कंपनी में करीब 700 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जूम अपना बिजनेस चीन से भारत में भी शिफ्ट कर सकती है। आपको बता दें कि जूम कंपनी के मालिक एरिक युवान चीन में ही पैदा हुए थे, लेकिन बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ सिलिकॉन वैली में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। चीन से बड़ी टेक कंपनियों का मोह भंग होना उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।